अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक खैरियत से हो गए। 50 न्यूज़ टीवी HD में खुश आमदीद कहते हैं। मैं गुलाम नबी खान। आज की वीडियो मेरी उस बहन के नाम है जो एक चैनल चलाती है डेली रूटीन, तो उसका बेटा इब्रार अहमद है। तो मैं अपना जो उनके इलाके के पंजाब पुलिस है, BPO साहब है, मैं उनका बहुत दिल से थैंक यू करता हूँ। तो उन्होंने हर मौके पे जाके उन गरीबों की मदद की, हेल्प की, उनके घर गए। मैं कल वीडियो देखी थी, कल बनानी थी वीडियो, तो दरअसल मुझे कोई थोड़ी मसरूफियत थी, मैं लेट हो गया था, इस वजह से नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो मेरी जो बहन डेली रूटीन वाली है, उनका बेटा इब्रार अहमद, उनके लिए है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी पाकिस्तान की पुलिस अभी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। DPO साहब है और उसके अलावा जो SHO साहब है, नाम तो मैं उसका सॉरी भूल गया, इकरार अहमद है, क्या नाम है DPO साहब का। तो वरल जो भी है, हम उसको दिल से थैंक यू कहते हैं, तो सलूट करते हैं। बहुत खुशी हुई हमें ये देख के कि हमारे मुल्क में अभी कानून है, गरीबों के लिए कानून, सब के लिए। अगर आज मुझे तकलीफ़ है तो कल किसी और को तकलीफ़ हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भाई एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, किसी गरीब पर जुल्म करते हैं, तो वो बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तो आप सोचे कितने दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन 5 दिन, ठीक है, कहते ना कि 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या करेंगे उसमें। तो आप गुजारा, मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप नफ़रत ना करें, प्यार करें, प्यार से उनके साथ रहो, आप उसकी हेल्प करो, मदद करो, जो गरीब है, ज़रूरतमंद है। तो आप बकायदा उनकी हेल्प करने के बजाय आप उनको धमकियाँ देते हो, तो ऐसी बात नहीं है भाई, अल्लाह से डरना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन लोगों ने पुलिस गई वहाँ पे DPO साहब के कहने पे, और पुलिस ने उनको बोला है कि हम हर तरह की जो ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की मदद है, वो हम आपके साथ हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो समझती है कि वहाँ कानून नहीं है पाकिस्तान में, गुंडा कर दिया है, उनके लिए एक मैसेज है कि आप खुदा के लिए ऐसे नहीं करें, बाद में आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि किसी को तकलीफ दोगे ना, तो अल्लाह है, रिटर्न भी आ सकती है। तो बहरहाल यही है, मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी को तकलीफ नहीं दिया करो खुशी से। जो बंदा थोड़ी सी भी किसी को खुशी देगा ना, उसका जरा अल्लाह की ज़ात मिलेगी। और आप एक दफ़ा किसी की ज़रूरत पूरी करें, किसी को थोड़ी खुशी दे, जो अल्लाह की तरफ से आपको सुकून मिलेगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा यार, किसी को खुशी देना, किसी के काम आना मुसीबत में, किसी की हेल्प करना, मदद करना बहुत बड़ा काम है। तो हम जितने भी आउट ऑफ कंट्री है, मेरे भाई है, सब लोगों ने वीडियो बनाई, उनको सपोर्ट की, उनको मैं थैंक यू अदा करता हूँ। क्योंकि हम इसी तरह एक दूसरे की मदद करते रहे, किसी को कोई तकलीफ़ है तो हम खड़े हो जाए ना, तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश है हमारी, बल्कि दुआ भी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, ताकि ऐसा कोई किसी को तकलीफ़ आए ना। अगर किसी को पता चल गया यार उस भाई को थोड़ी तकलीफ़ है, तो हम सब लोग खड़े हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला वो कभी किसी पे बुरा दिन नहीं आएगा अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मेरे जो अपना डेली रूटीन वाली बहन है, आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं। जितने आउट ऑफ कंट्री है, पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर हैं, सब लोग आपके YouTube पर आपके साथ है, आपके साथ खड़े हैं, शाना बुशाना, आप अकेला नहीं समझिए, ठीक है, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह के रसूल की मदद से हमें इंशाल्लाह ताला जितनी है सपोर्ट हम करेंगे। तो हमारे जितने बहन भाई इस वक्त मेरी वीडियो देख रही है, आप सच की मदद करें, सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला हम
कोशिश यही करते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा हो, बेहतर हो। तो इंशाल्लाह ताला, तो हमारे जो पंजाब पुलिस है, मैं उनको भी फिर एक बार सलूट करता हूँ। हमारे जो DPO साहब है लोधरा का, करोड़ पक्का के, उनके उनको भी सलूट करता है। SHO साहब को भी सलूट करता हूँ। वो मेरे जितने बहन भाई है पाकिस्तान के अंदर या बाहर, उन लोगों ने मेरी बहन डेली रूटीन वाले की सपोर्ट की है, मदद की है, उनको मैं दिल से थैंक यू अदा करता हूँ। तो यहाँ से पता चलता है कि जब किसी को तकलीफ होती है ना, हम सब एक हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सब पे करम करे। और मेरी बहन, आप परेशान नहीं होना, अल्लाह आपके साथ है। उसके अलावा हम भी आपके साथ हैं, जो भी तकलीफ होगी हम आपके साथ खड़े हैं। ओके जी, इसी वीडियो के साथ आज की हम वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।